वालों से क्या सवाल पूछा जाए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं हर साल घंटा अवार्ड्स देखने आती हूँ। मैं दूर से देख के सोचती हूँ कितने टैलेंटेड लोग हैं ये, और क्योंकि रेडियो वाले तो अपने आप को फनी समझते ही हैं, बट इस साल मुझे स्टेज पर डाला गया है, मैं एक घंटा अवार्ड प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो जैसे बड़े देशभर के सुपर कॉमेडियन स्टेज पर हैं, आई एम गोइंग टू गिव आउट एन अवार्ड। मैं बता दूँ आपको कि अवार्ड का क्या नाम है, आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड शिट नोबडी सॉ, यानी कि ऐसी पिक्चर है जो किसी ने नहीं देखी। तो मैं इनके वर्णन करने वाली हूँ और मैं जनता को बताने वाली हूँ एक पिक्चर जो किसी ने नहीं देखी। अच्छा, मतलब सब पता करना है, आप तो अंदर आएंगे नहीं देखने के लिए। मैं आपको दो चार गैसेस दे देती हूँ। एक में अरशद वारसी है, एक में विद्या बालन है, एक में आयुष्मान खुराना है। हाँ, एटलीस्ट ये तीन तो हैं ही, इन्हीं में से मुझे एक लगता है मतलब ले ही लेगी वो, मज़ा आएगा। और क्या होने वाला है इस नाइट में, मतलब और क्या क्या नई चीज़ें होने वाली, क्योंकि इस साल बहुत ही लास्ट स्केल पे बनाया गया है। जी हाँ, पहले तो घंटा अवार्ड देखने के लिए कुछ 700-800 लोग जो हैं बहुत टाइम से आकर यहाँ पर खड़े हैं, तो घंटा अवार्ड का स्केल बहुत लार्ज है। इस साल नए कॉमेडियंस हैं, ऐसे लोग जिनको आपने अलग अलग स्केल्स पर देखा है मगर एक साथ एक स्टेज पर नहीं देखा। बहुत फनी है, बहुत उन्होंने प्रिपेयर करके, एक्चुअली हिंदी फिल्में जब पिट जाती हैं तो उनके लिए ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ती है, मगर बहुत ज़्यादा फनी है। इसमें से दो फीमेल कॉमेडियंस हैं और दो मेल कॉमेडियंस हैं, और ऑफ कोर्स मैं भी हूँ स्टेज में बीच में एक अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत मज़ा आने वाला है, और जो ऑडियंस में नहीं है बॉलीवुड के लोग, उनको भी बहुत मज़ा आने वाला है। नॉट एन आरजे, लेकिन एक आम अगर पूछा जाए कि आपको लगता है कि इस साल ये मूवी को घंटा अवार्ड पक्का मिलना चाहिए, बड़े बैनर की बात करें? मेरा चॉइस होगा बिटवीन हमारी अधूरी कहानी और या हमारी अधूरी कहानी हैज़ गॉट टू टेक इट। आइया फिर आई थिंक प्रेम रतन धन शख्स सलमान खान मारेंगे, फिर आई थिंक इज दिल वाले शख्स शाहरुख खान मारेंगे, आई थिंक इट इज दोनों में से एक को तो मिलनी है। यू आर राइट, यू आर राइट। आज के इवेंट में जैसे मैंने कहा बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं, वन ऑफ देम इज राधिका, शी इज़ वन माई फेवरेट्स। वो बहुत ही अच्छा, मतलब उसका लास्ट का जो सेगमेंट है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ अ स्पेशल अवार्ड आई थिंक अबाउट सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बकवास कौन करता है। और इनमें से एक मेरे ख्याल से नॉमिनेशन मैं नहीं बताऊँगी, बहुत बड़े स्टार हैं, बड़े आजकल न्यूज़ में रहते हैं, झगड़म झगड़ी चल रहा है उनका हीरोइन के साथ, तो एक बहुत आई डोंट नो हु इज़ विनिंग दैट अवार्ड, बट वो उसमें है। एंड द सेकंड थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ मैं खुद इस बार स्टेज पर जाकर एक पूरा प्रेजेंटेशन करने वाली हूँ लाइक अ कॉमेडियन, तो आज कॉमेडी मैं भी करूँगी बेबीज। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द इवनिंग। प्राउड तो नहीं, बट मुझे बहुत एक प्राउड से ज़्यादा एक अलग से एक्साइटमेंट है, बिकॉज आप जब भी जाते हैं, हमें दोस्तों बताते हैं कि हम इस अवार्ड्स के लिए जा रहे हैं, पर मैं जितनी बार भी अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सो एवरी टाइम आई शुड टेल देम कि मैं एक घंटा अवार्ड के लिए जा रहा हूँ, उतनी बार मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। सो आई थिंक इसका एक जो बहुत अच्छा पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाता है कि आप ये नाम लेते ही आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ऑफकोर्स एक बार सबको ये लगता है कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, बट या मुझे जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है तो देन दे बिलीव। टीवी इंडस्ट्री से अगर बात करें तो कौन सा ऐसा सीरियल है जिसको घंटा अवार्ड देना चाहेंगे, और कौन सा ऐसा एक्टर और एक्ट्रेस रहेगी आपके हिसाब से? यार आप लोग क्यों इंडस्ट्री से निकलवा रहे हो? आई कांट, अगर क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अवार्ड्स कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अवार्ड्स तो घंटे अवार्ड्स में उन्हीं में से है, तो क्या कहेंगे? यार चीज़ें अच्छी बुरी होती हैं, और घंटे में भी कोई बुराई नहीं है इस अवार्ड में, मतलब इट्स जस्ट दैट आपको एक नया एंगल है, नई सोच है, और
आप आप अगर अच्छाई अच्छाई सुनते रहेंगे और क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो लाइफ में आपको अच्छे बुरी की समझ नहीं होगी. सो एंड आई स्टिल वुड नॉट कंसिडर इट बैड, इट्स जस्ट अ फन पार्ट ऑफ इट. अपने पे कितना मजा सहन कर लेते हैं. यार आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट व्हेन इट कम्स टू ऑल दैट. सो मुझे कोई ऐसा रैंडम या वियर्ड कमेंट याद तो नहीं आ रहा है, पर अगर आ रहा होता तो मैं जरूर बता देता. मतलब आई हैव बीन क्वाइट लकी व्हेन इट कम्स टू ऑल दैट. हाँ, पर मैं इनिशियली जब आया था तो मुझे बहुत आउट वैसे सुनने में मिलता था, क्योंकि मैं उस समय बहुत पतला और बहुत अजीब सा दिखता था. सबको लगता था यार कि इसको एक्टिंग से बना दिया. सो ऑब्वियसली आई वाज नॉट अ गुड एक्टर ऑल्सो दैट टाइम, बट नाउ आई थिंक ऑफ लेटली काफ़ी एक दो सालों से कुछ ऐसा बुरा सुनने को मिला नहीं है, या कुछ इतना वियर्ड कमेंट या कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला. सो आई डोंट रिमेंबर. बड़ी मूवी है दो, 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 कुछ ऐसी बड़ी मूवी है जिसको आप देखना चाहते हैं घंटा और सुनते हैं, क्योंकि प्रेम रतन धन पायो एंड दिलवाले आल्सो. आई थिंक फॉर मी आई थिंक प्रेम रतन धन पायो, बिकॉज आई एम अ बिग सलमान खान फैन एंड आई हैड लाइक वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ द फिल्म. Guys, kill me. No, I'm not saying it should get a ghanta award, but I'm just saying. No, no, I'm just saying that I had like very high expectations on the film. Yaar, I know aap log bolenge ki main bahut diplomatic answer de raha hu, but यार लिटरली हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, अच्छी बुरी. हर इंसान अपनी तकदीर लेकर आता है. सो किसी की बहुत अच्छी हो जाती है, किसी की ठीक ठीक होती है, किसी की नहीं चल पाती. सो वो कहना गलत होगा यार. ऑफकोर्स मैंने अपना पहला साइंस शो साइन किया, उससे पहले पहले मुझे एक बार बुलाया गया कि अरे एक लड़का NRI से आ रहा है, ही इज़ ए NRI अब्रॉड से आ रहा है और उसका कॉलेज का पूरा ट्रैक है और ये है वो है. और जिस दिन मैं शूट पे पहुंचा उस दिन उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर दो गाने गवाए एंड दैट वाज माय ट्रैक. और मुझे कुछ कम से कम 6 महीने का ट्रैक सुनाया गया था. सो दैट वाज डेफिनेटली अ घंटा ट्रैक फॉर मी. नथिंग हैपेंड आफ्टर दैट. नहीं, ऑफकोर्स बिकॉज वो मेरे साथ धोखा हुआ था, वो मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया था. सो दैट्स इट. यार यार जो शो में मेरे जो बेटे हैं तोलू मोलू, मैं उनको पास करना चाहूँगा, बिकॉज वो बहुत क्रिएटिवली फनी हैं और मुझे पता है कि अगर मैं उनको घंटा अवार्ड दूंगा तो वो बहुत अच्छे से उसको रिसीव करेंगे. एंड आई थिंक वही दो लोग हैं जो उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर सकते हैं. सो आई थिंक दे डिजर्व इट. जितनी बार भी मैंने बोला घंटा अवार्ड, जितनी बार एक स्माइल आ जाती है फेस पे. सो जस्ट आई थिंक कोई भी दिल से किसी का बुरा या बोलना नहीं चाहता. इट इज दैट दैट इट जस्ट अ फन थिंग टू डू. बिकॉज अगर आज हम हमारे कॉमेडी शोज देखते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉमेडी शोज आ रहे हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज अपनी फिल्म प्रमोट करने जा रहे हैं, वहाँ पे हर तरह की मस्ती होती है, वहाँ पे अच्छी भी और बुरी भी. सो वहाँ पे वो सेलिब्रिटीज भी इंजॉय करते हैं और लोग भी इंजॉय करते हैं. एंड दैट इज एंगल टू जस्ट लुक एट. सो आई वुड नॉट से दैट कोई भी किस तरह से किसी की इंसल्ट करने की कोशिश करे या बुराई करने की कोशिश करे. इट जस्ट अ क्रिएटिव वे टू मेक फन. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. आई होप माई फिल्म डजंट गेट घंटा अवार्ड. थैंक यू.